प्रदेश सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाने संबल पहुंचे भाजपा के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने जनपद के चंदौती स्थित ग्राम आटा में चौपाल लगाकर सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां बताते हुए ग्रामीणों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने कहा कि प्रदेश इन 4 सालों में प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है, युवाओं को रोजगार मिला है, चारों ओर खुशहाली है, किसानों के हित में सरकार लगातार कार्य कर रही है, आने वाले समय में सरकार और बहुत कुछ करने वाली है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने बताया कि इन 4 वर्षों में प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है, प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है। ग्राम आटा में आयोजित ग्रामीण चौपाल में हरेंद्र सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सिंगल, भाजपा युवा नेता अंकित जैन, दर्जा प्राप्त केंद्रीय मंत्री मंजू दिलेर चौहान, संबल भाजपा जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह खड़गवंशी आदि सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या कार्य करने का और नहीं कर पाए सर? नायडू पर नहीं देखिए, ये 4 साल जो 70 साल से नहीं हुआ वो 4 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करके दिखाए। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि कौन सी योजना जो हम करना चाहते थे कर नहीं पाए, कोई ऐसी योजना नहीं है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई नहीं है। आप 4 योजनाएं आप अगर गिनती कराएंगे तो आप मुझे 1 घंटा उसकी योजनाओं को गिनती कराने में लग जाएगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक काम किए हैं, जो सीधा सीधा जनता को देने का काम किया है, आपने उत्तर प्रदेश अव्वल प्रदेश कैसे हुआ, गरीबों को आवास देने का, गरीबों को शौचालय देने का, गरीबों को उज्ज्वला तहत योजना देने का, लोगों को बिजली देने का, लोगों को सड़कें और मुहैया कराने का, लोगों को एक्सप्रे हाईवे बनाने का, लोगों के किसानों को 1 लाख तक के कर्जे माफ़ करने का, लोगों की गेहूं और धान की फसल को समर्थन मूल्य MSP की तर्ज पर और उसको MSP के रेट पर धान खरीद करके लाखों टन का धान खरीद करने का काम किया है, और किसानों को किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान निधि सीधे सीधे खातों में डालने का काम किया है। इसमें कुछ किसान भी खुशहाल है, मजदूर भी खुशहाल है। अगर किसान खुशहाल होते तो धरने पे क्यों बैठते बॉर्डर पे? मैं उनकी डिमांड्स अलग हैं, किसान की डिमांड कोई नहीं है। तो मैं, वो किसान नहीं है जो धरने पे बैठे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, किसानों को गन्ने का मूल मिल रहा है, 1,27,000 करोड़ रुपये गन्ने का भुगतान किया गया है, किसानों की गेहूँ धान खरीदा गया है, किसानों का अब गेहूं खरीद स्टार्ट होने वाली है, गेहूं खरीद जाएगी। तो कहाँ किसान का अब दुर्घटना बीमा, किसान का जो फसल नष्ट होती है उसका बीमा, किसान का जो कार्ड आयुष्मान उससे कार्ड जो बन रहा 5 लाख का बीमा कवर, लोगों को सबसे बड़ी किसान की मैं कहता हूँ, आप बटाईदारों से पूछें, कुछ नहीं मिलता था। अगर किसान का नुकसान बटाईदार का भी होता तो बटाईदार को पैसे देने सर, किसानों का दूसरा आरोप है कि सरकार मंडी खत्म कर देना चाहती है, ना मंडी खत्म होगी ना MSP खत्म होगी, ये दूसरी पार्टियों के ये नारे हैं और जनता बहुत समझदार है सर, तो नारों में आने वाली नहीं। सर एक आखिरी सवाल, संबल जनपद के लिए ऐसा कौन सा कार्य है जो बलदेव सिंह ओलख करना चाहते हैं? देखिए संबल में बड़े ऐतिहासिक काम हुए हैं, मैं आपको पत्रक दे दूंगा। एक तो सबसे बड़ा काम गंगा एक्सप्रेस हाईवे निकलना है, समझे नहीं, ये तो गुरुओं की नगरी है संबल जो है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही है, ये विष्णु देवताओं का वास रहा है, ये बहुत सा क्या कहते हैं बहुत सारे देवताओं के यहाँ पे निवास हुए हैं, तो ये सारे यहाँ ऐतिहासिक संबल की नगरी है, तो इसमें तो सारे लोग यहाँ पर बहुत खुशहाल हैं, और बहुत संबल जो पहले था उसके तरक्की पे भी मैं कह रहा था, रास्ते में आ रहा था, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, हरियाली किसानों की दिख रही है, गेहूँ की फसलें दिख रही हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बहुत यहाँ के लोग किसान खुशहाल हैं और खुशहाल रहेंगे, भगवान उनको तरक्की।